हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे मोस्ट एमपी एमसीक्यू फॉर डीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल और एमजीवीसीएल के बारे में। गाइस, अभी जो डीजीवीसीएल है और यूजीवीसीएल में बहुत सारी वैकेंसी आई है, ठीक है। अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का ये जो टॉपिक है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे मोस्ट एमपी एमसीक्यू के बारे में जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये वीडियो लास्ट तक देखना, पता नहीं इनमें से कौन सा एमसीक्यू आपके एग्जाम में भी आ जाए। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक मोस्ट एमपी एमसीक्यू फॉर डीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, पीजीवीसीएल और एमजीवीसीएल के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट सर्किट इन एनी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज द रिजल्ट ऑफ ऑप्शन ए मैकेनिकल वाइब्रेशन, ऑप्शन बी इंसुलेशन फेल्योर, ऑप्शन सी लूज कनेक्शन एंड ऑप्शन डी इम्पल्स वोल्टेज। सही आंसर है ऑप्शन डी इम्पल्स वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर टू, द मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली स्मॉल बिकॉज इट हैज ऑप्शन ए स्मॉल एयर गैप, ऑप्शन बी लार्ज लीकेज फ्लक्स, ऑप्शन सी लेमिनेटेड सिलिकॉन स्टील कोर एंड ऑप्शन डी फ्यूअर रोटेटिंग पार्ट्स। सही आंसर है ऑप्शन ए स्मॉल एयर गैप। क्वेश्चन नंबर थ्री, द पावर ट्रांसमिटेड विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑप्शन ए कोरोना लॉसेस आर मिनिमम, ऑप्शन बी रिसीविंग एंड वोल्टेज इज हाई, ऑप्शन सी रिएक्टेंस इज हाई एंड ऑप्शन डी सेंडिंग एंड वोल्टेज इज हाई। सही आंसर है ऑप्शन ए कोरोना लॉसेस आर मिनिमम। क्वेश्चन नंबर फोर, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड देन द स्किन इफेक्ट विल ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी रिमेन सेम, ऑप्शन सी इंक्रीज एंड ऑप्शन डी None of the above। सही आंसर है ऑप्शन सी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर फाइव, पावर फैक्टर कैन बी इम्प्रूव्ड बाय कनेक्टिंग विच अमोंग दिस, ऑप्शन ए स्टैटिक कैपेसिटर, ऑप्शन बी रजिस्टर्स, ऑप्शन सी सिंक्रोनस कंडेंसर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। सही आंसर है ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, द रेटेड वोल्टेज ऑफ थ्री फेज पावर सिस्टम इज गिवन बाय ऑप्शन ए आरएमएस पीक वोल्टेज, ऑप्शन बी पीक फेज वोल्टेज, ऑप्शन सी आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज एंड ऑप्शन डी पीक लाइन टू लाइन वोल्टेज। सही आंसर है ऑप्शन सी आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर सेवन, टू रिड्यूस पीक डिमांड एट एलडीसी ब्लैंक डन, ऑप्शन ए लोड शेडिंग, ऑप्शन बी रिड्यूस जनरेशन, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। सही आंसर है ऑप्शन ए लोड शेडिंग। क्वेश्चन नंबर एट, इन एमएसडी जनरेटर द कंडक्टर इज मेड ऑफ ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी लिक्विड मेटल, ऑप्शन सी गैस एंड ऑप्शन डी लिक्विड मेटल और गैस। सही आंसर है ऑप्शन डी लिक्विड मेटल और गैस। क्वेश्चन नंबर नाइन, विच ऑफ दिस सिस्टम यूजेस द थ्री फेज फोर वायर सिस्टम, ऑप्शन ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन सी प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड ऑप्शन डी सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सही आंसर है ऑप्शन बी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर टेन, सुपर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व फॉर ऑप्शन ए इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी एसी एंड हाई फ्रीक्वेंसी एंड ऑप्शन डी फ्रीक्वेंसी हैविंग नो इफेक्ट। सही आंसर है ऑप्शन बी डीसी एंड लो फ्रीक्वेंसीज। सो गाइस, ये जो एमसीक्यू है वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।